नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 28 सितंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मंदी पर फिर बोले उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा किया है कि पितृपक्ष महीने के बाद देश में चल रही आर्थिक मंदी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अप्रैल से अगस्त तक 0.3% तक गाड़ियों की बिक्री में जितनी भी गिरावट आई है वो त्यौहार के मौसम में बढ़ने की उम्मीद है। वहीं केंद्र सरकार की तारीफों की पुल बांधते हुए सुशील मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं, हम इससे जरूर निपट लेंगे। टीईटी व सीटीईटी में सामान्य पिछड़ा, एससीएसटी और महिलाओं के लिए जारी किए गाइडलाइंस। शिक्षा विभाग ने टीईटी व सीटीईटी में सामान्य पिछड़ा वर्ग, एससीएसटी और महिलाओं के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है। इस नए गाइडलाइन के अनुसार अब अगर आपको टीचर बनना है तो एक निश्चित अंक लाने के बाद ही आप शिक्षक के तौर पर नियोजित हो पाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग को 60 अंक, पिछड़े वर्ग को 60 अंक, महिलाओं को 55 और एससीएसटी वर्ग वालों को 50 अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद ही वे शिक्षक बन पाएंगे। वहीं निशक्त कोटि के उम्मीदवारों को भी न्यूनतम 50% अंक लाना होगा। जदयू ने गिरिराज सिंह पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए दिन अपने सहयोगी पार्टी जदयू पर तंज कसते हैं। खासकर उनका निशाना हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रहता है, जिसके पश्चात अब जदयू की ओर से जवाब दिया गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता ई शंभुनाथ सिन्हा ने कहा है कि गिरिराज सिंह ने अपनी राजनीति स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र और डॉक्टर सीपी ठाकुर जैसे नेताओं के खिलाफ उलुर जुलुर बयानों के सहारे ही चमकाई है, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी अपना नाटकीय चाल चरित्र पेश कर वे हंसी के पात्र बन जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि गिरिराज समाज के बेवजह निशाने पर आ जाते हैं। इस समाज के लिए अब तक उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, हमें गर्व है ऐसे जवान पर। ड्यूटी पर तैनात एक जवान की तस्वीर अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हमें गर्व है ऐसे जवान पर। इस जज्बे को सलाम। आप भी पुलिस की मदद कर एक स्वस्थ और बेहतर समाज बनाए। जय हिंद। एसटीईटी फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने एसटीईटी 2019 में शामिल होने के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। बताया जाता है कि विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से शिक्षा विभाग ने विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन मांगा था। 25 सितंबर को विभाग की ओर से उप सचिव ने जवाब जारी किया था। सभी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य। बिहार सरकार ने सभी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र को 30 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्टर करवाना अनिवार्य कर दिया है, जिसके पश्चात अब 30 सितंबर तक ऑनलाइन में तब्दील नहीं कराने वाले सभी प्रदूषण जांच केंद्र स्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन तब्दील कराने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। लोजपा के प्रभारी अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी को दी नसीहत। लोजपा के चिराग पासवान पार्टी के प्रभारी अध्यक्ष बनने के बाद गुरुवार शाम की फ्लाइट से चिराग पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही चिराग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से मिले। सीएम से मुलाकात के बाद चिराग ने मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बचपना छोड़ दे, पार्टी के बड़े नेता की बात ना सुनकर वे मनमर्जी कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने महागठबंधन पर कही ये बात। बिहार के आगामी उपचुनाव के मद्देनजर महागठबंधन घटक दलों में खींचतान जारी है। लगातार घटक दल के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के दो प्रमुख दल हम और वीआईपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं हाल ही में हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान के बयान पर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर सभी महागठबंधन के दल राजद के बिना महागठबंधन को चला सकते हैं तो चला ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यू मोटर व्हीकल नियम पर बिहार सरकार ले सकती है अहम फैसला। न्यू मोटर व्हीकल नियम लागू होने के बाद से लोगों की काफी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। इतने भारी भरकम चलान कटने से आम जीवन काफी परेशान है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार जल्द चलान की राशि में राहत का ऐलान कर सकती है। बक्सर में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों द्वारा उठाए गए सवालों पर राज्य के परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है, मगर सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर कोई फैसला ले सकती है। खो खो बिहार की टीम में भागलपुर के 3 खिलाड़ी हुए शामिल। रांची में 2 से 6 अक्टूबर के बीच खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में बिहार टीम की ओर से भागलपुर के 3 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं। बिहार टीम की ओर से मनोहरपुर के नीरज कुमार, नीतीश कुमार, किलकारी के विक्रम कुमार खेलेंगे।
तीनों खिलाड़ी 30 सितंबर को रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के हेलमेट पहनने की बाध्यता हटी। नए मोटर नियम के अनुसार अब 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक नहीं है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाइक पर बच्चे के साथ जा रहे अभिभावक बच्चों को बेल्ट या किसी अन्य चीज से बांध कर निकले। जिला परिवहन पदाधिकारी अजय कुमार ठाकुर ने यह भी बताया कि कार की अगली सीट पर 10 वर्ष तक के बच्चों को नहीं बिठाना है। छोटे बच्चों को लेकर माँ अगली सीट पर बैठ सकती है। माँ के लिए सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है। राज्य में अब बुनियादी विद्यालयों में होंगी 12वीं तक की पढ़ाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुनियादी शिक्षा का दायरा बढ़ाने का निर्देश पदाधिकारियों को देते हुए राज्य के बुनियादी विद्यालयों में 12वीं तक की पढ़ाई अनिवार्य करने की घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि बुनियादी शिक्षा को रोजगार से भी जल्द जोड़ा जाएगा। वहीं परामर्शी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि बुनियादी विद्यालयों में 8वीं तक की पढ़ाई होती है, वहां 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में विकास प्रबंधन संस्थान सोसाइटी की हुई 6वीं बैठक में इस बात की घोषणा की है। भागलपुर में शुरू होने जा रहा है 4 लेन पुल का निर्माण। भागलपुर वासियों के लिए खुशखबरी, अब भागलपुर के गंगा नदी पर जल्द ही 4 लेन पुल का निर्माण होने जा रहा है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर इस नए 4 लेन पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। विक्रमशिला सेतु के बगल में बनने वाले इस पुल से भागलपुर शहर में आने जाने वालों को तो सुविधा होगी ही, इसके अलावा उत्तर बिहार से झारखंड और कोलकाता आने जाने वाले लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। इस पुल के निर्माण पर कुल मिलाकर 1,726 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहर में सड़कों को स्मार्ट बनाने की मुहिम हुई तेज। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 4 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम 2 दिनों से सड़कों का स्थल निरीक्षण कर शहर की सड़कों को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज कर दी है। कोलकाता की कंपनी सॉफ्ट जियो टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड सड़कों का सर्वे पिछले 4 माह से लगातार करती आ रही है। कंपनी ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है और अब इस आधार पर DPR तैयार करने में टीम जुट गई है। भारी बारिश के कारण 30 तक सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल रहेंगे बंद। भारत मौसम विज्ञान ने बिहार के जिलों में भारी बारिश के कारण लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। इसके अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, बेतिया, मधेपुरा आदि जिलों में सरकारी गैर सरकारी स्कूलों पर और आंगनबाड़ी केंद्रों को 28 सितंबर से 30 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। दरौंदा उपचुनाव में अजय सिंह को चुनौती देंगे व्यास सिंह। दरौंदा उपचुनाव में राजनीति सरगर्मी चरम पर है। भारी बारिश में भी भाजपा और जदयू नेताओं के साथ व्यास सिंह ने नामांकन किया। जहां प्रदेश में महागठबंधन टूट की कगार पर है, वहीं सिवान संसदीय क्षेत्र में NDA में भी फूट नजर आ रही है। जहां NDA से दरौंदा उपचुनाव को लेकर सिवान की सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह को टिकट मिला है, वहीं भाजपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर को होने जा रही है BPSC की 65वीं प्रारंभिक परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए बिहार में कुल 718 परीक्षा केंद्र बनवाए गए हैं और सिर्फ पटना में BPSC परीक्षा के लिए 34 केंद्र का निर्माण किया गया है। कुल 421 पद के लिए आयोजित यह परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे दिन तक चलेगी। आपको बता दें, इस परीक्षा में लगभग 11 लाख परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं। नीरज कुमार ने की अधिकारियों से अपील। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने सूचना भवन में सूचना जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारियों की बैठक के संबोधन में सोशल मीडिया की अहमियत को बताते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम के प्रचार प्रसार को सोशल मीडिया के माध्यम से करें। विभाग के अधिकारियों को मीडिया के इस माध्यम पर अब अधिक सक्रिय होने की जरूरत है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार होर्डिंग, फ्लैक्स सहित व्हाट्सएप ग्रुप एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कराया जाए, ताकि उक्त कल्याणकारी योजनाओं के बारे में वास्तविक जानकारी लाभुकों तक आसानी से पहुंच सके। सप्त क्रांति दिखाएगा गांधी के मोहन से लेकर महात्मा तक का सफर। IRCTC ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए खुलने वाली ट्रेन सप्त क्रांति एक्सप्रेस के कायाकल्प में बदलाव करने का निर्णय लिया है। दरअसल गांधी जी की 150वीं जयंती पर भारतीय रेल उनके जीवन का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश करने जा रहा है। सप्त क्रांति एक्सप्रेस की बोगियां अब गांधी जी के जीवन से जुड़ी तस्वीरें और टेक्स्ट से सजी मिलेंगी। इसे लोग यात्रा के साथ ही गांधी जी के विषय में विशेष जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। आवेदन जमा करने के लिए लाइन में लोगों के बजाय दिखे जूते चप्पल।
यह मंजर बिहार के दरभंगा जिले का है। शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थी आवेदन भरने की होड़ में जुटे हैं। आवेदन भरने के लिए लंबी लंबी कतारें रोज लगती हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में अभ्यर्थियों ने शेड की व्यवस्था न होने के कारण जूते चप्पल बॉटल आदि को ही लाइन में लगा दिया था। दरअसल अभ्यर्थी समय से पूर्व पहुंचकर आवेदन जमा करने की सुनिश्चितता पक्की कर रहे थे। समय सुबह 9 बजे का था। बीआरसी का ताला नहीं खुला था, मगर निर्धारित समय पर ताला खुलते ही सभी आवेदक पानी में भींगते हुए लाइन में खड़े हो गए। पर्यटकों को खूब भा रहा है पटना का बिहार म्यूजियम। पटना आए सभी पर्यटक बिहार म्यूजियम का दर्शन जरूर करना चाहते हैं। आंकड़े की बात करें तो हर साल 3.5 लाख पर्यटक बिहार म्यूजियम घूमने आते हैं। देसी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक को भी बिहार म्यूजियम खूब भा रहा है। अब म्यूजियम में पर्यटकों की संख्या को देखते हुए भवन निर्माण विभाग और ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार म्यूजियम में 9 अन्य गैलरियों को विकसित करने जा रहा है। अब गैलरी सी, जी और ए विकसित की जा रही है। 18 साल की उम्र में हुई है बहाली तो 42 की उम्र में हो जाएंगे रिटायर। सामान्य प्रशासन विभाग ने पुलिस महानिदेशक सहित सभी विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे कर्मियों का ब्यौरा मांगा है जो 18 साल की उम्र में सरकारी सेवक बने। ऐसे लोगों को 42 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों पर 60 साल की उम्र में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम भी लागू नहीं होगा। ऐसा इसीलिए होता आ रहा है क्योंकि बिहार सेवा संहिता के नियम 54 में नौकरी में प्रवेश का समय अधिकतम आयु का जिक्र है, लेकिन सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं किया गया है। 1100 रेड अंक लाने वाले पहले खिलाड़ी बने प्रदीप नरवाल। पटना पायरेट्स प्रो कबड्डी लीग में लगातार 3 बार खिताब जीत चुकी है, मगर जीत के साथ साथ पटना पायरेट्स के कप्तान प्रदीप नरवाल 1100 रेड अंक लाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन पटना पायरेट्स दबंग दिल्ली से 43-39 से हार कर लगभग इस साल के प्रो कबड्डी लीग से बाहर हो चुकी है। इस जीत के बाद दबंग दिल्ली नंबर 1 पर पहुंच गई है, वहीं पटना पायरेट्स अभी 9वें स्थान पर है। रोहित शर्मा हो T20 वर्ल्ड कप के कप्तान युवराज सिंह, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने बल्लेबाज रोहित शर्मा की वकालत करते हुए कहा है कि आगामी T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को कप्तान की दावेदारी सौंपी जाए। इससे कप्तान विराट कोहली का बोझ कुछ कम हो जाएगा। रोहित शर्मा फिलहाल सीमित ओवर की भारतीय टीम के उपकप्तान हैं। इसके अलावा रोहित IPL के सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 4 बार यह खिताब अपने नाम किया है। हाउसफुल 4 के ट्रेलर ने आते ही मचाया धूम। हाउसफुल 4 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मल्टी स्टार कॉमेडी ड्रामा से लिप्त यह फिल्म का ट्रेलर देखकर सोशल मीडिया पर फैंस द्वारा अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। फिल्म के अभिनेता अक्षय कुमार ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म का ट्रेलर शेयर किया था, जिस पर व्यूअर्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस फिल्म में पुनर्जन्म की कहानी में कॉमेडी का तड़का लगाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।